तो बहुत डिमांड आ रही थी भाई के भाई प्रथम भाई वाली से करो, प्रथम भाई वाली से करो। 140 जा चुके हैं भाई। शिफ्टिंग में मेरे से दिक्कत हुई है भाई। तो हेलो भाइयों, कैसे हो सारे, उम्मीद करता हूँ ठीक हो गए। रियान यादव ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो भाइयों, एक और अमेजिंग वीडियो के साथ आ चुका है आपका भाई। तो देख सकते हो भाई, ये पहचान ली होगी भाई गाड़ी आपने। हाँ जी भाई, ये है प्रथम शौकीन भाई की क्रेटा टर्बो और ये अपनी है भाई सेल्टोस। तो बहुत डिमांड आ रही थी भाई के भाई प्रथम भाई वाली से करो, प्रथम भाई वाली से करो। तो जी हाँ भाई, प्रथम भाई वाली से ही कर रहे हैं आज। तो भाई बता देता हूँ इनकी थोड़ी सी ना फिगर्स बता देता हूँ आपको। ये भी GT लाइन है, ये भी GT लाइन है, ये भी टर्बो है, ये भी टर्बो है। दोनों की पावर फिगर्स इंजन सेम है, 1400 cc पेट्रोल, 1400 cc पेट्रोल, 138 bhp, 138 bhp, 242 Nm टॉर्क, 242 Nm टॉर्क। तो पावर फिगर सेम है, तो फर्क कहाँ है? फर्क है भाई, ये फर्क है इसके अंदर, फर्क है भाई इसके ट्रांसमिशन का। ये देख सकते हो आप, DCT है भाई, ये ऑटोमेटिक है ठीक है। बाकी ये अपना मैनुअल ठीक है, ट्रैक्शन वगैरह का ऑप्शन इसमें आता ही है और इसमें भी ट्रैक्शन वगैरह का ऑप्शन दे रखा है। बाकी इसमें मोड वगैरह भी है भाई, स्पोर्ट्स वगैरह सारे मोड है इसमें, ये रहे। बाकी मिलवा देता हूँ एक बार प्रथम भाई से। तो प्रथम भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बढ़िया भाई, भाई पब्लिक की बहुत डिमांड आ रही थी कि भाई प्रथम भाई वाली से करो, प्रथम भाई वाली से करो। तो ये ब्लैक से व्हाइट कैसे हो गई भाई? ये दूसरी गाड़ी है, ये मेरे वाली गाड़ी नहीं है। अच्छा, मेरे वाली गाड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है अभी बची नहीं है, टोटल लॉस हो गई है। नहीं, वो फिर पब्लिक ये बोलेगी ना कि माफिया क्रेटा कहाँ है, माफिया क्रेटा कहाँ है। अभी यही है माफिया क्रेटा भाई, अब ये माफिया क्रेटा है ना। तो हाँ, तो भाई बाकी प्रथम भाई की वीडियो आपने देखी होंगी। ये रे प्रथम भाई, आज नोएडा आए हुए हैं भाई। बाकी वीडियो देखी होंगी टर्बो के साथ ही, इसी वाली के साथ, व्हाइट वाली के साथ। ब्लैक वाली अनफॉर्चुनेटली भाई थोड़ा सा उसके साथ हादसा हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अब स्कॉर्पियो एन आने वाली है भाई की, तो बहुत जल्द देखने को मिलेगी भाई। तो भाई देरी ना करते हुए बैठते हैं गाड़ियों के अंदर, दोनों गाड़ियां लाइनअप है। बाकी भाई मैं करूंगा सेल्टोस ड्राइव, प्रथम भाई करेंगे अपनी क्रेटा ड्राइव। तो भाई मैं कर रहा हूँ इसका ट्रैक्शन ऑफ, ये कर दिया भाई। इसमें कोई मोड वगैरह तो है नहीं, मैनुअल है। AC ऑन रखते हैं पहले राउंड में, करते हैं भाई फर्स्ट राउंड स्टार्ट। प्रथम भाई कर रहे हैं भाई ड्राइव अपनी गाड़ी और मैं कर रहा हूँ अपनी सेल्टोस ड्राइव, देखते हैं क्या रहता है भाई रिजल्ट फर्स्ट राउंड का। देख सकते हो आप 140 कहीं दिखाई नहीं दे रही भाई, 160-140 तक गई है भाई लास्ट। वो तो अपने लैग में रहेगी। हाँ भाई वो रह गई लैग में। हाँ भाई मैंने कर ली गाइस ब्रेकिंग, बाकी अब आ रही है भाई पीछे से। तो भाई प्रथम भाई से पूछते हैं कोई दिक्कत तो नहीं हुई लॉन्चिंग में भाई। एक बार रोक लेते हैं प्रथम भाई को भी। क्या रहा भाई? भाई क्या रहा क्या रहा भाई? भाई मैनुअल है भाई, मैनुअल का थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा भाई। ये मेरे ख्याल में 9 सेकंड या 9 से कम में कर रही है। हाँ भाई, हाँ भाई, बाकी 10 के अंडर कर लेती है। हाँ ये तो है, थोड़ा सा लैग है जो शिफ्टिंग करती है ना गियर में, बस वो दिक्कत है। सेम पावर है, सेम फिगर है इसकी, उसमें तो वो एक नहीं है। AC ऑफ रखूंगा, चलो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो भाई सेकंड राउंड करते हैं इधर से ही, है ना? मारूंगा तीन और ना, ठीक है। तो अब देखते क्या रहेगा। चलो ठीक है, ठीक है भाई। तो भाई सेकंड राउंड में भी ड्राइव कर रहे हैं प्रथम भाई अपनी क्रेटा। इसका AC ऑन वगैरह सब चीज रहेंगी, ट्रैक्शन ऑफ रहेगा भाई इसका। भाई 120 जा चुकी है भाई, कम से कम 2-3 गाड़ियों का अच्छा खासा गैप बना लिया भाई, अच्छा खासा गैप बना लिया भाई।
अच्छा खासा भाई, देख सकते हो भाई आप, बहुत अच्छा खासा गैप है भाई, बहुत ही ज्यादा गैप बना रही है भाई। हालांकि सेकंड राउंड में प्रथम भाई ने एसी ऑफ कर लिया था अपनी गाड़ी का, बाकी अब देखते हैं भाई थर्ड राउंड करके क्या रहता है, बाकी पूछते हैं भाई। कुछ लॉन्चिंग वगैरह में कुछ दिक्कत तो नहीं हुई भाई? लॉन्चिंग में कोई इशू से जीत रही है, है? भाई को भेज रहा हूँ आपकी गाड़ी में, एक एडवांटेज हो। चलो ऐसा कर लो, ठीक है, बहुत प्यार से जीत रही है सर। चलो कोई नहीं, तो मैं कह रहा हूँ एक और बिठा लेते हैं। नहीं, तीन बिठाओ पहले। तीन एसी ऑफ है मेरा, आपका एसी ऑन? हाँ, एसी ऑन है, ऑन है, ट्रैक्शन तो ऑन है, ओ सॉरी ऑफ है। तो भाई पारस भाई आ रहा है मेरी गाड़ी के अंदर, और प्रथम भाई कर रहे हैं अपनी गाड़ी को ड्राइव अकेले। भाई देख सकते हो आप उधर की साइड, ठीक है, इसका एसी ऑन और ट्रैक्शन ऑफ रख रहे हैं भाई हम इधर, ठीक है। अब करते हैं भाई थर्ड राउंड, एसी ऑफ है सब चीज, ठीक है। इसमें हम बैठे तीन लोग, ड्राइविंग ड्राइवर के साथ साथ। हिलती तो है ही कुछ ज्यादा ही, थोड़ी सी हिलती है सुबह व्हील स्पिन की वजह से, और बहुत ही तगड़ी बात है। बिल्कुल सा लैग आ गया भाई। गियर शिफ्टिंग में दिक्कत, गियर शिफ्टिंग में मेरे से दिक्कत हुई है भाई, गियर शिफ्टिंग में दिक्कत हुई थी, बाकी उधर से कर लेंगे, मंगा के ले गए पूरी पूरी तरीके से भाई। 140 जा रही है, 150 जा रही है भाई, देख सकते हो आप, 150 जा रही है आराम से, बिल्कुल प्यार से जा रही है, 150। और वो भी एसी ऑन है, एसी ऑन है भाई। हाँ, और उसमें तो ये राउंड फिर से करते हैं भाई, ये राउंड फिर से कर लेते हैं भाई, है ना, फोर्थ राउंड है, फिर से कर लेते हैं। बाकी भाई से पूछ लेते हैं, गियर मिसमैच हो गया था ना? हाँ, मिसमैच हो गया था भाई, बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल गया था गाड़ी की। हाँ भाई, मिसमैच हो गया, पीछे रह गई, नहीं तो रह नहीं। चलो कोई नहीं, इस बार और कर लेते हैं, एक राउंड और करते हैं। तीन हॉर्न मारता हूँ, निकलनी थी इस बार भी, आगे जीतनी थी। कुछ फर्क तो है यार मैनुअल का और डीसीटी का भाई, बहुत ज्यादा है वो, स्टार्टिंग में उसे दबा देता है। चलो करते हैं, तीन हॉर्न मारो गाइस, कर रहे हैं अब राउंड 4 को स्टार्ट। इस बार तो वो भी सही लॉन्च हुई, भाई टक्कर दे रही है, पूरी टक्कर दे रही है भाई। अब करा इसने 120 पे भाई, 120 पे, 140 पे और 120 पे करा है वैसे तो, ड्रैग में तो अपनी किया से भाई, ये राउंड तो भाई भाई एक काम करते हैं, एंड तक भाई एक काम करते हैं, रोलिंग करनी है 20 पे, 20 पे ऑन मारूंगा, 3 चलो गाइस, रोलिंग कर रहे हैं अभी 20 की स्पीड पे, और देख सकते हो स्पीड में तो उसका बहुत तेज शिफ्ट कर देगा ना, जो है हमारी पीछे है रोलिंग वाली में, बहुत ही गंदी बात है। 120 चली गई यहां तक, 120 चली गई यहां तक भी, बहुत ही बढ़िया वाकई भैया ये अपनी। बाकी भाई ड्रैग रेस में तो ये जीतेगी। हां, बाकी जो उसमें कह रहा हूं मैं, जो फोर्थ और थर्ड राउंड हुए हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं मेरे से मिसमैच हुआ था गियर। बाकी अभी हमने करा हाफ ट्रैक में, तो भाई आगे बाइक आ गई थी हल्की सी, बाकी रोड तो ट्रैक तो बिल्कुल खाली है। उसमें क्या है, थोड़ी ब्रेकिंग करनी पड़ गई हमको, क्रेटा 120 पे क्रॉस कर रही थी भाई, हम लोग बैठे हुए थे अपनी साल्टोस में, तीन लोग, दीप भाई, मैं और पारस भाई बैठा हुआ है भाई, हमारा छोटा भाई, तो भाई और रोलिंग में करी भाई 20-25 की स्पीड थी भाई मेरी, तो भी क्रेटा निकाल के ले गई भाई अपना राउंड। तो देखते हैं भाई, अब प्रथम भाई से बात करते हैं। प्रथम भाई क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? फिर ये सब चीटिंग सी हो गई थी, मैं पहले निकल गया था, चलो सेल्टोस ही जीतेगी यार, सेल्टोस ड्रैग रेस में तो ये जीतेगी, ड्रैग तो में भी और रोलिंग में भी, करते हैं फिर फाइनल है। एडवांटेज देने के बाद जीत रही है, कोई फायदा नहीं है, और राउंड का फायदा नहीं है। तो भाई करते हैं वीडियो के यहीं पे एंडिंग,
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। प्रथम भाई से एक बार बात करा देता हूँ भाई आपकी। प्रथम भाई, भाई क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? सेम पावर फिगर, सेम सारी चीजें, पेरेंट कंपनी सेम सारी चीजें, बस उसको किया और इसको होंडा ही सेल कर रही है। वो अपनी ऑटोमेटिक इतनी फास्ट लगती है। हाँ। और सोचो ये इंजन सेम पावर मैनुअल में मिल रही है। हाँ जी भाई, कोई लैग भी नहीं है तो वो कितनी फास्ट होगी? वो तो है। खैर मेरे हिसाब से अंडर 9 सेकंड्स ये 0 to 100 कर रही है भाई साइड का साथ ही। हाँ जी, ये तो है। खैर वो तो फर्क तो है भाई मैनुअल का और डीसीटी का। चीज है भाई ये, बाकी कोई इसको हरा सकती है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आप दोनों कौन सी गाड़ी पसंद है इनमें से। हाँ जी भाई।